Hello students, today I will discuss the science of 7th class. So in 7th class science, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd, we were teaching you about the silk. Silk के बारे में बता रहा हूँ. Silk क्या होता है? तो silk में देखिए, life cycle of silkworm has 4 distinct stages. Silk की life cycle में 4 अवस्थाएं होती हैं. Life cycle of silkworm has 4 distinct stages. Silk के worm की life cycle में 4 स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन है एग क्लस्टर. फर्स्ट स्टेज इसका अर्थ एग क्लस्टर. इसको हिंदी में कहते हैं अंडों का समूह. क्लस्टर मीन्स होता है गुच्छा समूह. ओके, क्लस्टर मीन्स गुच्छा या समूह ग्रुप. ओके, आप देखिए एग क्लस्टर में देखा है द फीमेल्स सिल्क. द फीमेल्स सिल्क मोद 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर ऑन मलबेरी लीव्स. जो फीमेल सिल्क होती है उसको मोथ बोलते हैं. जो फीमेल सिल्क होती है उसको क्या बोलते हैं? मोथ बोलते हैं. और वो एक बार में लगभग 300 to 400 एग्स को है वो क्लस्टर के रूप में देती है. जो फीमेल मोथ होती है, जो फीमेल होती है जिसको मोथ बोलते हैं, वो एक बार में लगभग 300 से 400 अंडे गुच्छों के रूप में, ग्रुप के रूप में देती है. और ये सारे अंडे कहाँ पर देती है? ऑन मलबेरी लीव्स, एक सैतूत की पत्ती पर. कहाँ पर? सैतूत जो होता है, एक प्लांट होता है, पौधा, पेड़ होता है सैतूत का, उसकी लीव पर. मलबेरी लीव्स मतलब सैतूत की पत्तियाँ. ठीक है, तो एक जो फीमेल सिल्क होती है वो एक बार में 300 to 400 एग्स को ले करती है क्लस्टर के फॉर्म में, गुच्छों के रूप में, और वो भी कहाँ पर? मलबेरी लीव्स के ऊपर. ओके, आप देखिए दीज एग्स, जो एग ले किए गए, ले मीन्स निकालना या देना, जो एग्स ले किए गए हैं फीमेल सिल्क के द्वारा वो क्या होंगे? एग्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स, लंबे समय तक उनको ठंडक में रखा जाता है, ठंडा होने के लिए रखा जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, लंबे समय तक ठंडक के लिए उसको रखते हैं. द एग्स आर वर्म, अब इसके बाद जब अंडे वो कैसे होते हैं? वर्म होते हैं, एक गर्म होते हैं धीरे धीरे, एक अपना टेम्परेचर पकड़ते हैं. ठीक है, एग्स आर वर्म टू सिट्यूबल टेम्परेचर, जब उनको सिट्यूबल टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है? फॉर द लार्वा, अंडे से लार्वा निकलेगा. ठीक है, किसके द्वारा? हैच प्रोसेस के द्वारा, हैचिंग के द्वारा. अंडे से जो अंडे के अंदर बेबी बनता है, बेबी की इनिशियल स्टेज जो होती है, अंडा जैसे ही फूटता है उसमें से लार्वा निकलता है. अंडा फूटा, उसमें से क्या निकला? लार्वा. और अंडे से जैसे लार्वा निकलता है वो हैचिंग प्रोसेस के द्वारा. हैचिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स होती हैं, जैसे हैन की बात करें, मुर्गी, वो अपने अंडे को, अंडे पर बैठती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसको बोलते हैं अंडे को सेना. ठीक है, अंडे को सेना, तो वो क्या करती है? वो उसके ऊपर बैठती है कुछ दिनों तक, उसको बैठने के बाद में फिर वो जब अंडा फूटता है तो उसमें से बेबी निकलता है. तो उसी तरह से क्या होता है, जब सुटेबल टेम्परेचर प्राप्त होता है इसके बाद में उसमें से लार्वा निकलता है हैच के द्वारा. फॉर द एग्स, अंडे से, फ्रॉम द एग्स, अंडों से लार्वा निकलता है ऑन मलबेरी लीव्स. और ये लार्वा कहाँ पर निकलता है? मलबेरी लीव्स के ऊपर ही निकलता है. मलबेरी लीव्स मीन्स सैतूत की पत्तियाँ. ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो मलबेरी लीव्स पर अंडे को देती है, और ये अंडे सुटेबल टेम्परेचर पर लीव के साथ में रखे जाते हैं, और इसके बाद में जब सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो वो क्या करती है? उन अंडों से लार्वा निकलता है. ठीक है, और वो लार्वा मलबेरी लीव्स, जो पत्तियाँ होती है सैतूत की, उन्हीं के ऊपर निकलता है. अब लार्वा निकलने के बाद क्या होता है? फ्रॉम द एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट स्टेजेस है सिल्क वॉर्म. आप देखिए द लार्वा कॉल्ड द सिल्क वॉर्म. लार्वा क्या होता है? जो सिल्क का जो कीड़ा होता है. ठीक है, द लार्वा कॉल्ड द सिल्क वॉर्म, उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं या फिर कैटरपिलर बोलते हैं. सिल्क के कीड़े को लार्वा होता है. सिल्क का कीड़ा क्या है? लार्वा. और लार्वा को सिल्क, द लार्वा कॉल्ड द सिल्क वॉर्म, लार्वा को सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर बोलते हैं. ये लार्वा जो निकला था सैतूत की पत्तियों के ऊपर, उसी लार्वा को कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं. अब ये कहता कैसा होता है? इट इज वोरेसियस ईटर. ये लार्वा होता कैसे? बहुत ज़्यादा
ईटर होता है, वो ईटर मतलब बहुत ज़्यादा खाऊ, खाने वाला, पेटू बोलते हैं जिसको, है ना। ये लार्वा जो होता है इसको बहुत भूख लगी होती है, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाऊ होता है, तो ये वहाँ पर क्या करता है, वोरेसियस ईटर मीन्स अत्यधिक खाऊ, बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो ये क्या करता है, फीडिंग करता है, खाता है क्या, डे एंड नाइट, दिन रात खाता रहता है ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स पर, मलबेरी पत्तियों पर बैठा बैठा वहीं मलबेरी लीव्स वगैरह खाता रहता है वो, ठीक है लार्वा। अच्छा, ये खाता रहता है तो फिर क्या होता है, व्हेन दे आर अबाउट 35 डेज ओल्ड, जैसे ये 35 डेज का होता है तो वो क्या था, पहले तो छोटा सा था लार्वा था, अब वो खा पी के हट्टा कट्टा हो गया, तो बहुत हैवी हो गया, तो 35 डेज के बाद में दे आर 10,000 टाइम्स हैवियर देन दे देन व्हेन दे वर हैच्ड, जब यहाँ पर वो हैचिंग के थ्रू लार्वा निकला था उस टाइम से, अब लार्वा यहाँ पर 35 डेज के बाद में लगभग 10,000 गुना भारी हो जाता है, ठीक है। इसका वजन कैसा हो जाता है, लगभग 10,000 टाइम्स हैवियर, 10,000 गुना भारी हो जाता है जब ये पैदा हुआ था उस टाइम से अब इस टाइम पर, ओके। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, हैज 4 स्टेजेस, आई हैव taught you 2 स्टेजेस टुडे, आई taught you 2 स्टेजेस, remaining 2 stages I will discuss in my next class, okay, enough for today, thank you.